दिसंबर च इलेक्शन होने की तैयारियां चल रही है? तैयारियां जी देखो जी, पहले तो साड़ी पार्टी महाराष्ट्र तो हैगी ते असी पहले इलेक्शन लड़ना नहीं सीगा। उन पार्टी के जेड़े प्रमुख ने उद्धव साहब वो कहंदे कि असी रणनीति तो करनी करनी है, राजनीति भी करनी है। तो तुसी थोड़ा सवाल सीगा कि असी इस तो पहला क्यों नहीं दिखे जी। एक गल है कि जी युद्ध तो पहला ना उसकी तैयारी करनी पैनी, असी टिंडोरा नहीं पिटना सी, असी ग्राउंड लैवल पर काम कर रहे थे। अज सारा जिहड़ा प्रेस अपना वार्ता हुई सी इहदे बाद असी तैयारी की हुई है कि हुण जिथे भी होगा 16 तारीख नूं तुहानूं पता लगेगा कि साडी जिहड़ी पॉपुलेशन है पार्टी की जिहड़े मैंबरस ने वो तुहानूं उत्थे दिखणगे। दूजी गल ए है जी, मैं डोमीसैल पर भी ये गल करना चाहूँगा कि डोमीसैल की बड़ी मांग चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ में जिहड़ा है जो हमारे लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, आप ये देख लीजिए दस से 12 लाख की पॉपुलेशन हो गई हमारी, कुल आबादी इतनी है। अभी जनगणना नहीं हुई 2011 के बाद, रिसेंटली अभी होगी तो हमें पता लग जाएगा, एग्जैक्ट डाटा हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास जो कॉलेजेस हैं हमारे पास सबसे ज़्यादा है, क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र देखा जाता है चंडीगढ़। तो बच्चा अगर पढ़ेगा तो नौकरी मांगेगा, नौकरी मांगेगा तो नौकरी लेने कहाँ जाएगा, पहले अपने राज्य में देखेगा। राज्य में इसलिए होता है कि राज्य में कमाया हुआ पैसा जब राज्य में ही खर्च किया जाएगा, वो क्यों खर्च किया जाएगा, जब वो राज्य से रहेगा बच्चा उसी स्टेट में रहेगा तो उससे रेवेन्यू बढ़ता है। बट इसमें क्या है कि किरण खैर जी आई थी पिछली बार एमपी के लिए, उन्होंने इलेक्शन बुलाया, उनकी एक वीडियो भी 2 मिनट की वायरल हुई, आप लोग तो मीडिया से हैं, आप लोगों को मिली भी होगी। 2 मिनट में उन्होंने कहा था पुरजोर तरीके से कि मैं डोमिसाइल लेके आऊँगी, पर 5 साल होने को ख़त्म भी हो गए, एक उनका कार्यकाल ख़त्म हुआ, दूसरा कार्यकाल भी शुरू हो चुका है। आपने देखा कोरोना काल में हमारा एमपी तो दिखा नहीं गई, पार्षद तो चलो ख़त्म ही है। दूसरी बात है पार्षदों की सुनी भी नहीं जा रही है, क्योंकि पार्षद का क्या है कि हमारा प्रशासनिक जो मसला है वो केंद्र शासित प्रदेश का, यहाँ पर क्या है एडवाइज़र नहीं सुनता, ठीक है जी, राज्यपाल भी नहीं सुनता, ठीक है जी, सेक्रेटरीज भी नहीं सुनते हमारी, क्योंकि पार्षद के पास पावर ही नहीं है जी। ठीक है जी, मेयर है जी, मेयर तो देखो जी अब ये है कि जो पार्टी जीतेगी उसका मेयर है, ठीक है, अब मेयर भी क्या करें। दूसरी बात है कि लोकल पार्षद का जो फंड आता है, आप बहुत सारे देखेंगे लोकल पार्षद जो है डिफॉल्टर्स हो गए, क्योंकि उन्होंने पैसा खर्च ही नहीं किया। उनका क्या है कि वो पार्षद बन गए, पार्षद की पेंशन लग गई है, तनख्वाह उनको आ रही है, वो अपने और कामों में लगे हुए हैं जी। मेरा काम पहला मुद्दा है कि डोमिसाइल की मांग, जो हमारे नगर निगम के जितने भी विभाग हैं उसमें 80% सीटें आरक्षित हों युवा के लिए, क्योंकि युवा हमारा बहुत बेरोजगार है। जैसे लाइन जैसी कंपनियां शोषण क्यों कर रही हैं, वो इसीलिए कर रही हैं। आपने अभी देखा होगा यूटी में जो हमारे सफाई कर्मचारी लगे हैं, उन्होंने एक आवाज़ उठाई थी कि हमसे 15,000 की मांग की जा रही है दोबारा से रखने के लिए, क्योंकि टर्म खत्म हो गया, टर्म के बाद है। दूसरी बात है लॉयंस कंपनी का, हमारा जो MC हमको बताता है 4 करोड़ रुपया देता महीने का, जो उनकी गाड़ियाँ चल रही, ड्राइवर जो है, हमने सारा कुछ कैलकुलेशन निकालते फिर भी 1 करोड़ रुपया हमें नहीं मिल रहा। 1 करोड़ रुपया कहाँ जा रहा है, 1 करोड़ रुपया कहीं बट रहा होगा, क्योंकि अगर हमने उनको सर्विस प्रोवाइडर दिया, हम टेंडर किसको देते हैं जो सबसे कम कोटिंग करता है। सबसे कम कोटिंग करने का मतलब उसमें आपने अपने सर्विस चार्ज जोड़ के लगाया होगा, पहली बात है। दूसरी बात है अगर नहीं लगाया तो चलिए उसका 10% मान लीजिए, सर्विस चार्ज तो इतना ही होगा ना, पर 10% की जगह आप ये मान लीजिए 40 लाख हुआ, तब भी 60 लाख का कोई हमारे को नहीं मिल रहा है। 40 लाख तो बहुत ज़्यादा एक्सेस पे हो गया, एक कंपनी खड़ी हो जाती है लाइन्स कंपनी की। तो मेरा कहने का मतलब है जो निजीकरण हम कर रहे हैं, क्योंकि MC जो है वो खुद में एक प्रशासन है, एक व्यवस्था है, उसमें क्या होता है कि हम DC रेट पे रख सकते हैं। DC रेट में 2 फायदे होंगे, एक तो आदमी का शोषण नहीं होगा, दूसरा वर्कर सीधा DC के संपर्क में रहेगा, DC के रेटों पे काम करेगा, उसकी जो है टाइम पीरियड एकदम एग्जैक्ट 8 घंटे का ही होगा। मेरे कहने का मतलब है आप MNCs नौकरियां तो देती हैं पर इंसान को निचोड़ लेती हैं। सुसाइड रेशो MNCs में ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो जितना पैसा दे रही है उस हिसाब से कार्य कर रही है। पर जब हम DC रेट में इसको ले आएंगे, अपने युवाओं को देंगे, क्योंकि युवा कमाएगा तो उसको परिवार के साथ भी तो समय बिताना है। बट ये है कि चीज़ें जब ये लॉयंस जैसी कंपनी आती शोषण करती है, दो महीने की सैलरी नहीं, 3-3 महीने। सर तुम हम चाहते हैं साडे व्यूअर्स को की कहना चाहोगे, शिवसेना वालों की मैसेज होएगा? शिवसेना वालों यही मैसेज है जी सारियां नू कि पहले लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, कांग्रेस से निकले तो BJP, BJP से निकले तो कांग्रेस जी। अब हम जो भी देख रहे हैं आने वाले समय में आपके लिए शिवसेना तीसरी पार्टी के रूप में उभरेगी, ठीक है। हमारी विचारधारा आप लोगों को पता है, हमारा 60 साल का राजनीतिक करियर है, पहले हम समाज सेवा करते थे, हमारे से बहुत सारे लोग समाज सेवा ही हैं जो शिवसेना से जुड़े हैं। आप लोगों के लिए हमारे दरवाजे, पार्टी के दरवाजे और समाज सेवियों के दरवाजे तो हमेशा खुले, आपको कोई भी समस्या होती है आप आके हमसे संपर्क कर सकते हैं, शिवसेना आपके लिए पुरजोर तरीके से लड़ेगी, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे एजुकेशन हो।